तो ऐसे ही एक छोटे मोटे काम के लिए मैं आया था गाइस नॉर्थ यंगटन, और अभी फिलहाल मेरा काम हो चुका है। काफी दिन लग गए भाई यहाँ पर। एक्चुअली मैं आया था अपने एक दोस्त से मिलने के लिए, और उस दोस्त ने कहा था कि भाई रुक जा थोड़े दिन, तो मैं एक हफ्ते के लिए रुक ही गया यहाँ पर। और आई गेस अभी जाने का टाइम हो चुका है वापस। वैसे भी गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है यार नॉर्थ यंगटन में। एक बार तुम लोग मौसम देखो, धूप का कोई नामो निशान नहीं है भाई, और हर तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। इतनी ठंड में किसका मन करेगा यहाँ पर रहने का। इसलिए एक हफ्ते होते ही आज मैंने प्लान बना लिया कि आज भाई वापस जाना अपने लॉस सैंटोस, एकदम आराम से गरम गरम मौसम में चिल करेंगे, क्योंकि लॉस सैंटोस में अभी नॉर्मल गर्मी ही पड़ रही है, उतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ रही है, तो एकदम मस्त है लॉस सैंटोस। चलते हैं यार फटाफट। वैसे भी यहाँ मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। यहाँ भाई हरियाली का नामो निशान नहीं है। जो चीज भी तुम लोग देखोगे वो पूरी व्हाइट हो रखी है, हर तरफ सिर्फ व्हाइट व्हाइट बर्फ दिख रही है। अपने लॉस सैंटोस का कितना बढ़िया है, ब्लू कलर की बिल्डिंग्स दिखती है, ब्लू कलर का पानी दिखता है, हरियाली दिखती है, खूबसूरत रोड दिखते हैं। यहाँ तो रोड भी ब्लैक कलर का नहीं दिख रहा है भाई, ये रोड भी व्हाइट हो गया है पूरा का पूरा। इसलिए गाइस जा रहा हूँ मैं वापस लॉस सैंटोस, और वहां जाके अब तो शांति मिलेगी भाई। यहाँ तो वैसे भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन हाँ इतनी भी ठंड नहीं है। एक ही जैकेट में अपना काम हो गया। फिलहाल ये रहा मेरा प्लेन, फटाफट से निकलते हैं अपने लॉस सैंटोस। चलो भाई फटाफट से बैठते हैं, चलते हैं इस ठंडे से मौसम से डायरेक्टली ऐसे मौसम में जहां पड़ रही है गर्मी, जहां निकला हुआ है सूरज, और जहां है वेदर बहुत ही खूबसूरत। लेट्स गो, निकलते हैं हम लोग गाइस अपने लॉस सैंटोस। मैंने तो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया था भाई कि लॉस सैंटोस में अब मस्त एकदम सूरज वूरज निकला होगा, एकदम गर्मी पड़ रही होगी दबा के, बट एक हफ्ते में क्या क्या हो गया यार यहाँ पे। कितनी ज्यादा ठंड है, और ठंड तो छोड़ो यहाँ तो बर्फ पड़ रही है। अबे नॉर्थ यंगटन से भी बुरा हाल है गैस यहाँ का तो। अरे क्यों आ गया मैं, वापस वहीं चले जाना चाहिए। सीरियसली मैं भाई नॉर्थ यंगटन में एटलीस्ट एक एक जैकेट में काम हो रहा था, मुझे नहीं लगता यहाँ पर एक जैकेट में काम होने वाला है। मुझे जाकर फटाफट से यार गर्म कपड़े खरीदने पड़ेंगे, वरना तो मैं घर तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, रास्ते में ही निकल लूंगा भाई, ठंडी इतनी है। ओके ओके, आराम से इधर लगाते हैं अपने प्लेन को। भाई सीरियसली मैं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, एक हफ्ते पहले कितना मस्त मौसम था, एक हफ्ते में कितना कुछ बदल गया लॉस सैंटोस में। मस्त एकदम सूरज वूरज निकला था, एकदम गर्मी पड़ रही थी, और अभी तुम लोग मौसम देखो भाई, एकदम ठंड, और ठंड तो छोड़ो बर्फ ऊपर से। ओके निकलते हैं यहाँ से। टैक्सी वैक्सी मिलेगी इतनी ठंड में कि नहीं? मुझे नहीं लगता यार टैक्सी का भी जुगाड़ हो पाएगा। हेलो, अबे कोई बंदा ही नहीं है यहाँ पर तो एयरपोर्ट पे। अभी एक आध बंदे वर्कर नजर आ रहे थे, वो भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। टैक्सी कहाँ से मिलेगी यार, ऊपर से ठंड बढ़ती जा रही है, यहाँ पर बर्फ वाला मौसम होगा ऐसा मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है भाई, मौसम तो चेंज होते ही है। आई गेस एक हफ्ते पहले जो मौसम था वो अब काफी दिनों बाद आने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी इसमें भी अलग ही मजा है लॉस सैंटोस में बर्फ, ये भी एक अलग ही फन होगा। सबसे पहले घर चलते हैं, घर में मस्त हीटर वीटर चलाएंगे भाई, मेरे घर में तो कैंप फायर भी है टीवी के पास, वो भी जलाएंगे, मस्त आग वाग सेकेंगे। घर चलते हैं फटाफट सबसे पहले, और फिर अपने गर्म पानी वाले जकूजी में भी तो नहाएंगे, उसके भी अलग ही मजे हैं। फिलहाल ये गाड़ी किसकी है पता नहीं, किसकी गाड़ी है, मैं तो ले रहा हूँ भाई, घर पहुंचने के लिए इसी गाड़ी का यूज करते हैं चलो। बट घर पहुंचने से पहले मैं एक काम करूंगा भाई, रास्ते में थोड़े कपड़े खरीद लूंगा मैं ठंड वाले, और पहन भी लूंगा, क्योंकि इस वक्त मैंने सिर्फ एक जैकेट पहन रखा है भाई। ओके कोई नहीं दिख रहा भाई सड़कों पे दूर दूर तक, अलग ही हाल हुआ है लॉस सैंटोस के तो। खैर जो भी है चलो भाई, एक हफ्ते में क्या क्या नहीं बदल गया यार, मौसम से लेकर सब कुछ बदल गया। देखो मैं अभी नॉर्थ यंगटन में बात कर रहा था कि भाई यहाँ हरियाली नहीं है, लॉस सैंटोस में हरियाली दिखेगी, यहाँ भी हरियाली पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। यहाँ पर भी हर तरफ सिर्फ वाइट वाइट बर्फ ही दिख रही है, और उसमें भी कोई बंदा भी नहीं दिख रहा है यार सड़कों पे, सारे बंदे लगता है घर के अंदर ही पैक हो गए हैं, कोई बंदा दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। और एक सेकंड, ये मैं कौन से रोड पे आ गया यू टर्न लेके वापस। चलो कोई नहीं, यहाँ से राइट मोड़ते हैं गाड़ी को और अपने घर निकलते हैं, यही चलो यही वाला रोड ले लेता हूँ मैं। ओके फटाफट से गैस निकलते हैं अपने घर की तरफ, बट उससे पहले मुझे एक कपड़ों की दुकान पे जाना पड़ेगा। इधर कपड़ों की दुकान है कहाँ? एक तो ये जगह नहीं पहचान में आ रही है इतनी बर्फ की वजह से, कौन सा इलाका है? ओके मेज बैंक बिल्डिंग वहाँ पर है। अच्छा अच्छा, ये बीच की तरफ वाला इलाका है, आई गॉट इट आई गॉट इट। इधर से आगे जाने पर बीच आ जाएगा, हाँ वो तो रे पाम ट्रीज दिख रहे हैं, वो भी वाइट हो गए हैं भाई, सब कुछ वाइट हो गया है, सब कुछ बर्फ में ढक चुका है।
मैं कपड़ों की दुकान पर जाने वाला था। इधर से अब कपड़ों की दुकान कहाँ पर होगी सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा। इधर उधर तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। अपने घर के पास वाला जो मॉल है, चलो भाई वहीं पर ले लेंगे। अभी तो फिलहाल मेरे को रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो रहा मॉल, आ गया। ओके ओके नाइस। ओके भाई, मैं जितना अपने घर के पास जाता जा रहा हूँ उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ती जा रही है। हाँ, से इसके नीचे से निकलते हैं और जो मॉल है वो है यहाँ पर फाइनली। चलो भाई, यहाँ से एटलीस्ट हमें बढ़िया वाले स्वेटर वगैरह मिल जाएंगे, जैकेट मिल जाएंगे, फटाफट से परचेज करते हैं और पहन के निकलते हैं अपने घर। घर पे जाके मस्त आग वाग जला के हाथ सेकेंगे। जल्दी कपड़े दे दो भाई। ओके आई एम रेडी। ठीक है यार, बढ़िया है जैकेट वैकेट, इसमें ठंड थोड़ी कम लगेगी। नहीं, ठंड उतनी कम तो नहीं है, बट ठीक है चलो। ओके गाड़ी में बैठ चुका हूँ। पता नहीं भाई ये किसकी गाड़ी है, अजीबो गरीब सा नंबर प्लेट है 622, जिसकी भी हो मुझे क्या। फटाफट घर चलते हैं, मेरी वैसे सुपर कार घर पे ही है, चलते हैं फटाफट, लेट्स गो। एक बहुत ज्यादा अजीबो गरीब चीज दिखी है भाई, कोई बंदा नहीं दिखा है मुझे, सीरियसली में कोई भी दूर दूर तक कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब ठंड की वजह से है या फिर कुछ और ही लफड़ा है। मुझे तो भाई अभी फिलहाल बहुत ठंड लग रही है, पहले घर चलते हैं फिर बाद में डिस्कस करेंगे गाइस सीन क्या चल रहा है अभी लॉस सैंटोस में। सबसे पहले घर चलते हैं। ये देखो भाई, हरे हरे जो पेड़ थे पूरे वाइट हो गए हैं। भाई अपनी गली है, पहचान में नहीं आ रही भाई बिल्कुल भी। ओ तेरी, ये देखो घासों के ऊपर कैसी बर्फ जम गई है। ओ भाई साहब, यहाँ तो अलग ही तबाही मची पड़ी है सारे पेड़ पौधों के अंदर। वेट, ये क्या है? अबे ये क्या है, एक सेकंड, ये तो मेरा ही घर लग रहा है। लग क्या रहा है, ये मेरा ही घर है। अबे इसे क्या हो गया? ओ तेरी, ये तो अलग ही तबाही मची पड़ी है यार। मेरे घर का तो और बुरा हाल हो गया। मैं अभी पेड़ पौधों की बात कर रहा था कि पेड़ पौधों पे बर्फ वगैरह जम गई है। मेरे घर का हाल तो देखो यार, ये क्या हो गया है घर को, क्या हो क्या गया है, ये पूरा बर्फ में ढक चुका है पूरा का पूरा ही। यहाँ तक से भाई, यहाँ से पूरा घर बर्फ में कवर्ड है। कि देखो दीवारों पे बर्फ जमी पड़ी है, नीचे बर्फ जमी पड़ी है, वो भी पूरी गहरी गहरी मोटी मोटी बर्फ की चादर जम गई है। ये मेरी गाड़ी, गाड़ी देखो भाई, मेरी सुपर कार, मेरी पूरी की पूरी गाड़ी बर्फ के अंदर फंस गई है। ये मुझे पता चल गया गाइस क्यों हुआ है। एक हफ्तों से मैं अपने घर से बाहर था और मुझे लगता है एक हफ्ते हो गए भाई लॉस सैंटोस में स्नोफॉल होते हुए, और घर पे कोई था नहीं भाई साफ सफाई के लिए। ये स्नोफॉल होते होते स्नो जमती चली गई, जमती चली गई, और कुछ ऐसा हाल हो गया हमारे घर का। बाकी बंदों का ऐसा हाल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि सारे बंदे घर पे थे, जब भी स्नोफॉल होती होगी वो लोग बर्फ हटा देते होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन मेरे घर पे कोई था ही नहीं और बर्फ पड़ते 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 मेरा पूरा का पूरा घर ही बर्फ में डूब गया है। यस, अभी तो ये फ्रंट का व्यू है, पीछे का तो अलग ही बुरा हाल होगा। जरा पीछे का व्यू देखने के लिए चलते हैं गाइस। अबे यार, नॉर्थ एंगटन से मैं यहाँ आया, सोचा कि चलो एकदम गर्मी वाला मौसम होगा, चिल करेंगे। यहाँ भाई अलग ही ठंड पड़ रही थी, बल्कि नॉर्थ एंगटन से ज्यादा ही। फिर मैंने सोचा एयरपोर्ट पे कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है भाई, मौसम तो चेंज होते ही है। घर पे चलते हैं, मस्त आग वाग जलाएंगे और फिर चिल करेंगे और मस्त भाई नहाएंगे जकूजी में। लेकिन यहाँ का तो और बुरा हाल हो गया है। ओ तेरी, ये देखो पीछे का इलाका भी पूरा खराब हो गया है। इधर भी सिर्फ बर्फ ही बर्फ, उधर विंडोज के ऊपर कैसी बर्फ जम गई है भाई, ऊपर की खिड़कियों के ऊपर वाइट वाइट। वो देखो, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये क्या है, ये व्हाइट कलर की इतनी सारी बर्फ। ओहो, मेरे घर का तो बुरा हाल। अबे स्विमिंग पूल भी ऑलमोस्ट जम गया है भाई, और वो जकूजी तो पूरा ही कवर हो गया है। अबे यार, मैं अपने घर में ही एंट्री कहाँ से लूँ, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है। क्या ही बुरा हाल हो गया यार घर का, लिटरली में सबके घर देखो कितने मस्त है। यहाँ देखो, ये देखो, फिर इसके अलावा आगे की तरफ देखो भाई, किसी के घर का भी इतना बुरा हाल नहीं है जितना मेरे घर का बुरा हाल हो रखा है। मेरा घर तो पहचान में ही नहीं आ रहा। एक इस बंदे के भी घर पे बहुत सारी बर्फ जमी पड़ी है, बट स्टिल इतना बुरा हाल नहीं है जितना मेरे घर का बुरा हाल है। क्यों गया यार मैं अपने दोस्त से मिलने नॉर्थ एंगटन, ना मैं अपने दोस्त से मिलने जाता और ना मेरे घर का इतना बुरा हाल होता। अब ये सब ठीक कैसे होगा? ठीक तो मुझे ही करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले तो ये एक काम करते हैं, गाड़ी को उधर आगे लगाते हैं और घर के अंदर चल के देखते हैं कि कहाँ पर जाने लायक इलाका बचा हुआ है। मुझे नहीं लगता कहीं पर जाने लायक इलाका बचा होगा। इस गाड़ी को इधर लगाते हैं आराम से और अभी फटाफट से चलते हैं।
ओके इधर गाड़ी तो पूरी जम गई है, गैराज तो खुलने से रहा। कितने में मैं कुछ भी कर लूँ, गोलियां चलाऊं चाहे कुछ भी करूँ, गैराज ओपन नहीं होगा। इधर से जो मेन एंट्रेंस है घर की, वो तो पूरी कवर हो गई है भाई बर्फ के नीचे। छत की बात की जाए, छत पे भी देखो यहाँ पर पूरी बर्फ इकट्ठा हो गई है। तो घर के अंदर इस वाली एंट्रेंस से जाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है, बट यहाँ से हम लोग जा सकते हैं किसी तरीके से। लकीली ये नहीं जमा है, बट यहाँ पर भी देखो बर्फ कितनी पड़ रखी है भाई, सारे पेड़ पौधों पर बर्फ जमी पड़ी है, नीचे बर्फ ही बर्फ है। ओके यहाँ पर उतरते ही बहुत सारी स्नो का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद ये अपना जकूजी भी पूरा डूब चुका है बर्फ के अंदर। आगे जाते हैं, पूरा फ्रंट कवर हो चुका है। ओके और भाई साहब यहाँ से तो जाने का रास्ता ही नहीं बचा है, इतने से इलाके में से कैसे जाऊं मैं घर के अंदर? मतलब कुल मिला के घर के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। या फिर वेट, रास्ता है, रास्ता है गाइस, रास्ता है, मेरे पास रास्ता है। रुको 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 रुको, अरे मेरे पास रास्ता ना हो ऐसा कभी हो सकता है क्या? भले ही मेन गेट पूरा जम चुका है, ये वाला गेट पूरा जम चुका है, बट स्टिल मेरे पास रास्ते रहते हैं यार। तुम लोग देखो मैं कैसे जाता हूँ अपने घर के अंदर। सिंपली यहाँ पर आ गया मैं छत पे, और छत पे आने के बाद यहाँ से मैं जंप लगा दूंगा अपनी बालकनी के अंदर। वेरी सिंपल गाइस, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से मैं बालकनी में भी आ चुका हूँ, और यहाँ से मैं अपने घर के अंदर आ गया, एंट्री कर जाऊंगा कि ना भाई। हेलो, अबे नहीं भाई इधर से भी नहीं जा सकता। घर के अंदर एंट्री करने वाला पूरा जो डोर है वही जम गया है, यही तो है घर के अंदर एंट्री करने वाला डोर। नहीं भाई नहीं जा सकता मैं घर के अंदर, बिल्कुल जाने की सोच ही नहीं सकता यार, सब कुछ जम चुका है, कहीं से भी रास्ता ही नहीं बचा है अंदर जाने का। अरे ये शीशे वीशे तोड़ दूं क्या मैं? शीशे भी तो इतने मजबूत वाले लगाए हैं कि टूटेंगे नहीं, चाहे पिस्टल से फायर करूं या फिर मैं शॉटगन से फायर करूं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है शीशों पे। ऊपर से एक तो इतनी ठंडी हवा चल रही है और बर्फ पड़ रही है, हालत खराब हो रखी है, और मैं अपने घर के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा है यार। क्या करूं तो करूं क्या मैं कुल मिला के अब? अरे जाना भाई जाना, फटाफट चल चल, नहीं जा पा रहा। तीन रास्ते हैं मेरे घर के अंदर जाने के, जिसमें से कि ऑलमोस्ट सारे ब्लॉक हो रखे हैं, बस ये रास्ता खुला है, और इस रास्ते का इस्तेमाल करके करूं क्या मैं यहाँ पर? मैं रूम में तो जा नहीं पा रहा, घर के अंदर तो जा नहीं पा रहा, यहाँ तक पहुंच पा रहा हूँ बस। फटाफट से कुछ ना कुछ करके ये स्नो हटानी पड़ेगी गाइस, ऐसे बात नहीं बनने वाली है भाई, कब तक मेरा घर ऐसे बर्फ के अंदर दबा रहेगा? स्नो तो हटाने की शुरुआत अभी करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, सबसे पहले क्रेन लेकर आते हैं, बुलडोजर, उससे स्नो हटाएंगे, बट सबसे पहले मैं अपनी ये सुपर कार बाहर निकालूं यार, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, बहुत ही महंगी है ये, बर्फ के अंदर पूरी दबी पड़ी है। आगे से गोली चलाते हैं, नहीं निकलेगी। साइड से, नहीं। ये स्नो तो छोड़ो भाई, ये तो एक हफ्ते से इकट्ठा हो के जमी है, बहुत ही मजबूत हो चुकी है स्नो। एक काम करता हूँ मैं इस एसयूवी से टक्कर मारता हूँ इस सुपर कार में, कम ऑन। नहीं निकलेगी ऐसे, ऐसे बात नहीं बनने वाली है, जोरदार टक्कर, कम ऑन। अबे यार ये गाड़ी उड़ रही है, मैं करूँ तो करूँ क्या भाई? नॉर्थ एंगटन से आया यहाँ पर आराम करने के लिए, आराम ही नहीं मिल पा रहा है। ओके एक और टक्कर, नहीं भाई ये गाड़ी ऐसे नहीं निकलेगी, लगता है बुलडोजर लाना ही पड़ेगा तभी कुछ बात बनेगी। निकल जा मेरी गाड़ी, नहीं निकल रही भाई ये। अबे उसके आगे का फ्रंट और टूट गया, रुको रुको मैं फ्रंट तो लगा दूं एटलीस्ट, वरना और बुरा हाल हो जाएगा। गाड़ी का फ्रंट लगा देते हैं गाइस, ओके अटैच कर देते हैं, फ्रंट लगा दिया है मैंने अभी, ठीक है। अब चलते हैं बुलडोजर लेकर आते हैं, और बुलडोजर से इस स्नो को हटाने की कोशिश करते हैं। चलो भाई कंस्ट्रक्शन साइट पे लेट्स गो, देखते हैं कहाँ की कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें बुलडोजर मिलता है। चलो भाई, वैसे भी लॉस सैंटोस में कोई नजर तो आ नहीं रहा है, पता नहीं बुलडोजर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। दो कंस्ट्रक्शन साइट पे चेक कर चुका हूँ मैं, मुझे नहीं मिला भाई बुलडोजर। अभी एक और साइट बची है, यहाँ पर भी एक बार चल के देख लेते हैं, यहाँ पर है। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, पांच पांच हैं यहाँ पर तो। चलो एक ले जाते हैं फटाफट, और गन क्यों निकाल रखी है मैंने, वो बंदा पहले ही डर जाएगा गन देख के ही। हेलो एक्सक्यूज मी भाई साहब, मुझे बुलडोजर चाहिए, बुलडोजर मिल जाएंगे कि? बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, मेरा घर पूरा बर्फ में दब चुका है और मुझे अपने घर को बर्फ से पूरा का पूरा बाहर निकालना है। ओके थैंक यू, बंदा मान गया, कह रहा कोई सा भी बुलडोजर ले जा सकते हो लेकिन रेंट देना पड़ेगा मुझे। चल तुझे दे रहा हूँ मैं रेंट, दे देंगे रेंट बाद में, अभी तो फिलहाल इस बुलडोजर को लेके अपना काम निपटाते हैं, एक बार पहले वो स्नो हट जाए यार, फिर सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये पता नहीं स्नो कैसे जम गई है एक हफ्ते तक, और बताओ यार मेरे पड़ोसी कैसे है, साफ कर देते कुछ बिगड़ जाता, नहीं किसी ने भी साफ भी नहीं किया यार, साफ करना बनता था उनका। छोड़ो अभी फटाफट से इस बुलडोजर को मैं घर लेके निकलता हूँ जल्दी। सबसे पहले तो गाइस इस बुलडोजर से मैं अपनी सुपर कार बाहर निकालूंगा यार, सुपर कार मेरी अटकी पड़ी है बर्फ के अंदर ही, जिसको सबसे पहले बाहर निकालना चाह रहा हूँ मैं। सबसे पहले घर तो अपना निकलता ही रहेगा, पहले सुपर कार निकालते हैं।
चलो बस पहुंचने वाले हैं। अरे ये बुलडोजर एक तो कितना स्लो होता है। अरे चढ़ जाओ भाई, चढ़ जाओ फटाफट, चढ़ फटाफट। ओके ओके पहुंचने वाले हैं घर की तरफ। पूरी जान निकल गई है भाई इस बुलडोजर की यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, बट फाइनली एटलीस्ट पहुंच तो गई है गाड़ी यहाँ पर। सबसे पहले अपनी सुपर कार को बाहर निकालते हैं, सबसे पहले चलो भाई सुपर कार निकल बाहर बाहर। नहीं इससे कुछ नहीं हो रहा। वंस अगेन प्लीज निकल बाहर। अभी बुलडोजर किसी काम के होते भी है कि नहीं? मैं पूरी जान लगा रहा हूँ भाई, यहाँ सुपर कार ही बाहर नहीं निकल रही। ये नीचे अटकाया इसे और ये निकालने की कोशिश जारी है। कम ऑन निकल जा भाई, प्लीज प्लीज निकल जा सुपर कार मेरी। पूरी जान लगा दी मैंने बुलडोजर की, फिर भी नहीं निकल रही है ये। एक काम करते हैं, यहाँ की स्नो हटाते हैं, तब कुछ मामला पानी बन जाए। ये स्नो भी तो पिछले एक हफ्ते से इकट्ठे हो के पत्थर से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। ये देखो भाई स्नो पे भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी। अबे अबे बुलडोजर ही मेरा चढ़ गया ये तो स्नो के ऊपर, तब भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उसे। छोड़ो स्नो को हटाना, इस सुपर कार को ही निकालने की कोशिश करते हैं। सुपर कार निकल जा, सुपर कार निकल गई, निकल गई गाइस, फाइनली निकल गई। ओके बस 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 बस, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, बस साइड में लेकर चलते हैं इसे, या फिर एक बार सीधी हो जाइए। अरे अरे सीधी तो हो गई थी। ओके नाइस, बस बस बस। ओके अब अपनी सुपर कार को मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। ओके फाइनली यार, धक्का देते देते कोशिश करते करते सुपर कार निकल ही गई। ओ क्या मस्त लग रही है यार, एक हफ्ते बाद चला रहा हूँ मैं जाके। इंजन फ्रीज नहीं हुआ है इसका बर्फ में दबे रहने के बावजूद, मस्त मक्खन चल रही है अभी भी ये। थोड़ा और चला के देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। आई गेस नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग ऑल राइट, एवरीथिंग फाइन। चलो भाई अब मेरी सुपर कार तो बचा ली मैंने, अब घर को बचाते हैं। सबसे पहले को कैसे बचाऊं मैं, वो स्नो तो हिलने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। बुलडोजर से बात नहीं बनने वाली है, कुछ और ही करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सुपर कार को यहाँ साइड में लगाता हूँ मैं। चलो भाई अब यहाँ से निकलते हैं, बुलडोजर से थोड़ा और ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो फिर हम लोग किसी और ऑप्शन की तरफ शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले इसी से ट्राई करते हैं। ओके बुलडोजर इज बैक, कम ऑन, अरे निकल जा, थोड़ी सी तो बर्फ निकल जा। ओके इधर कम ऑन वंस अगेन। ये जमीन वाला ही हटाना तो बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। एक काम कर सकता हूँ मैं, ये जो छत वाली है ये आराम से निकल जाएंगे आई गेस। सबसे पहले इनको निकालते हैं। चलो भाई ये आई गेस छत वाली आराम से मैं निकाल लूंगा। तुम लोग एक काम करो गाइस, फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार अभी तक नहीं किया है तो, ताकि फटाफट से इसको मैं निकाल सकूं। यस जाओ गाइस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आ निकल जा। ओके एक और बार हिट करते हैं, कम ऑन चल स्नो निकल, कम ऑन स्नो चल। ओके ओए टूट गई फाइनली, वो बर्फ टूट गई। ओ यस, वो बुलडोजर काम का है भाई, अब बस इसे खत्म करना है। ओके निकल प्लीज। ओके वेट वेट वेट, कम ऑन निकल। ओके गाइस आई गेस फर्क तो पड़ रहा है यार, ये तो मानना पड़ेगा तुम लोगों को, बुलडोजर से कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ ही रहा है। एक और ट्राई, चलो। ओके नाइस, लेट्स गो लेट्स गो फाइनली। चलो भाई दो जगह से मैंने बर्फ हटा दी है, अब इधर से भी कोशिश करते हैं। कम ऑन, अरे हट जा, थोड़ी सी बर्फ हट जा प्लीज। इसके ऊपर बुलडोजर ही चढ़ा देता हूँ, रुको तब शायद से थोड़ी सी बर्फ कमज़ोर पड़ेगी और हम लोग यहाँ से इसे हटाने में कामयाब हो सकते हैं। ओके बुलडोजर तो चढ़ा नहीं भाई, निकालने की फिर भी कोशिश करते हैं। नहीं भाई इससे नहीं होगा, आई गेस मुझे दूसरा आइडिया पे शिफ्ट कर जाना चाहिए। ओके काम करते हैं, उस बुलडोजर वाले बंदे को उसका बुलडोजर लेकर आते हैं, मतलब देकर आते हैं, और रास्ते से थोड़े वेपन्स खरीद के लाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है गाइस शायद वेपन्स खरीदने से और इस्तेमाल करने से मे बी ये बर्फ पिघल जाए और अपना घर जो है वो फ्री हो जाए। पूरा दबा पड़ा है यार बर्फ में, घर के अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। सबसे पहले मुझे एंट्रेंस से बर्फ हटानी चाहिए थी, एटलीस्ट घर के अंदर तो जा सकता था मैं। चलो उसका बुलडोजर देकर आते हैं और वेपन्स लेकर आते हैं। चलो भाई तो इस बंदे के बुलडोजर वापस करने के लिए आ चुका हूँ मैं। भाई साहब ये लो अपना बुलडोजर, काम तो हो ही गया मेरा, मेरी सुपर कार तो बाहर निकल ही गई और दो जगह से मैंने बर्फ भी हटा दी। आपकी पेमेंट कर देता हूँ मैं। चलो भाई अब चलते हैं वेपन्स खरीद के और घर निकलते हैं, वेपन्स का यूज़ करते हैं बर्फ हटाने के लिए। ओके वेपन स्टोर अपने घर के पास ही है, वहीं से खरीद लेंगे, या फिर एक सेकेंड एक वेपन स्टोर यहाँ पर भी आगे की तरफ, वहीं से खरीद के देख लेते हैं एक बार। कहाँ पर है भाई वो वेपन स्टोर, वो रहा। अब हेलो भाई यहाँ पर मैंने बुलडोजर लिया, यहीं पर जस्ट सामने वेपन स्टोर है, ये देखो गन्स वगैरह लिखा हुआ है।
वेपन स्टोर वाले भाई साहब, दुकान तो खुली है ना भाई? दुकान खुली है। चलो भाई फटाफट से बहुत सारे वेपन्स दे दो मुझे जल्दी से। वेपन्स डन गाइस, वेपन्स मिल चुके हैं। ये दुकान हमेशा खुली रहती है, देखो ओपन ऑल वीक 24 आवर्स। सही है भाई, गन्स की शॉप हमेशा खुली है। बताओ, बंदे नहीं दिख रहे हैं लेकिन गन वाले की शॉप चल रही है। मैंने बहुत सारे वेपन्स खरीद लिए हैं और मेनली मुझे मतलब है इनसे, मोलोटॉफ से। तो मुझे लग रहा है शायद इनसे अपना काम बन जाएगा। घर निकलते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यार वो बर्फ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, पता नहीं कैसे निकलेगी, ट्राई करते हैं। ओके, घर पहुँचने वाले हैं भाई। अभी तक एक बंदा नहीं दिखाया है, कहीं कहीं भी एक आध बंदे नजर आ रहे हैं, वो भी अपने डॉगी घुमाने के लिए निकले हैं। वहीं नॉर्थ एंगटन में हमेशा बर्फ पड़ती रहती है, तब भी वो सारे बंदे बाहर निकल के गाड़ियाँ चलाते हैं। कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है। ये देखो इधर बंदे डॉगी घुमा रहे हैं बस। ओके, आई एम बैक। गाड़ी को लगाते हैं साइड में क्योंकि मैं मोलोटॉव्स का यूज़ करने वाला हूँ। पता चला गाड़ी वाड़ी फूक गई अपनी। मोलोटॉव साथ में रेडी रखते हैं, लेट्स यूज दिस। देखते हैं बर्फ का कितना हिस्सा कुछ पिघलता भी है कि नहीं, इससे ज्यादातर कुछ फर्क पड़ता भी है कि नहीं। कुछ ना कुछ तो फर्क देखो भाई, कि पड़ना ही चाहिए अगर बात की जाए तो। तुम लोग फ्रंट से देख लो गाइस कितनी सारी बर्फ है, और देखते हैं मोलोटॉव्स के यूज से। अब मेरे घर में ना आग लग जाए मोलोटॉव से। एक तो ये फायर ब्रिगेड वाले आएंगे, मुझे पता है। हाँ मत जाना, फायर ब्रिगेड वालों कूट दूंगा मैं तुम्हें पकड़ के। ओके जल्दी जल्दी अब इंतजार करते हैं गाइस। 3, 2, 1 लास्ट मोलोटॉव बचा है। अब इंतजार करते हैं इतने सारे मोलोटॉव से क्या फायदा होता है और कितनी बर्फ पिघला पाता हूँ मैं। लेट्स सी, आग तो बहुत ही खतरनाक वाली और भयंकर वाली लगी है। थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं बर्फ पिघलेगी। अब ये मुझे नहीं पता है कहाँ बर्फ पिघलेगी, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो पिघलेगी। काश ये बर्फ फायर ब्रिगेड वालों के आने से पहले पिघल जाए। आ गए, तुम्हारी ऐसी की तैसी, भागो यहाँ से, भागो 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 यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से। भाग गए। ओके ओके, आग मस्त लगी। अबे तुम लोग कहाँ से आ गए, तुम्हारी ऐसी की तैसी, भागो, मैं गोलियों से उड़ा दूंगा, निकलो यहाँ से सबके सब। ओके, तो यहाँ पर आग अभी भी लगी पड़ी है गाइस। फायर ब्रिगेड वालों के आते मैंने गोलियां चलानी शुरू कर दी, वो लोग भाग गए। ओके गाइस, तो एक बहुत ही बढ़िया वाली गुड न्यूज है, थोड़ी सी बर्फ हटी है भाई यहाँ पर और गैराज के डोर की। और आई गेस अभी गैराज का डोर ओपन हो सकता है, थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करते हैं। यस ऑब्वियसली ये ओपन हो पा रहा है अब। ओ वाओ नाइस यार, कितना अजीब लग रहा था, फाइनली एक डोर ओपन करने में तो कामयाब रहे हम लोग। ओके, थोड़ी बहुत बर्फ हटी है गाइस, बट चलो इधर की तो थोड़ी बहुत हट गई। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ की बर्फ हटी है, तुम लोग अगर यकीन नहीं है तो रिवाइंड करके देख सकते हो गाइस। यहाँ की बर्फ हटी है, यहाँ की और यहाँ की, और बुलडोजर का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ और यहाँ की बर्फ हटा दी थी। बट प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं है, यहाँ की तो हटा लूंगा मैं, ये पीछे वाली कैसे हटेगी? हाँ भाई, पीछे वाली बर्फ का भी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा, इसको भी तो जल्द से जल्द हटाना ही पड़ेगा, पीछे भी तो बहुत सारी बर्फ है। एक काम करते हो, स्टिकी बॉम्ब्स है ना मेरे पास, स्टिकी बॉम्ब्स यूज करते हैं, कुछ ना कुछ बर्फ पे फर्क तो पड़ेगा गाइस। लेट्स गो, यूज करते हैं फटाफट। ज्यादा से ज्यादा एक आध बॉम्ब उड़ जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगी या फिर कुछ और हो सकता है। लेट्स ट्राई। ओके, बर्फ हटेगी ज़रूर, इतना तो मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ। कुछ ना कुछ तो बर्फ, कुछ ना कुछ तो स्नो इससे हटेगी ही, लेकिन कितनी उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। ओके, लेट्स यूज दिस, लेट्स गो, 3, 2, और ये लास्ट स्टिकी बॉम्ब, बारी है इनको ब्लास्ट करने की। आर यू रेडी गाइस, लेट्स गो। ओए वेट, ओ तेरी, ओए बर्फ, बर्फ हटी, ओए बर्फ हट गई, देखो जकूजी की बर्फ हट गई भाई पूरी की पूरी। अरे वाह, स्टिकी बॉम्ब्स ने थोड़ा बहुत काम तो किया, देखो गाइस जकूजी की बर्फ हट गई, यहाँ की भी बर्फ हट गई और थोड़ी सी यहाँ की भी हटी है। अरे वाह, लेकिन जाने का अभी ओपनिंग नहीं बना है, लेकिन धीरे धीरे बना लूंगा मैं, ओपनिंग भी बना लूंगा गाइस, हटा दूंगा भाई मैं बर्फ। मुझे खतरनाक वाला वेपन चाहिए, इनसे भी पावरफुल वेपन। इन वाले वेपन्स से उतना कुछ नहीं जनरेट कर पा रहा मैं पावर, मुझे इनसे भी पावरफुल वेपन्स चाहिए। एक काम करूँ क्या भाई, पुलिस वालों के पास जाऊँ, उनके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ तगड़े वाले वेपन्स होंगे ज़रूर। उनको मैं बताऊँगा कि सर देखो ये प्रॉब्लम है, मैं एक हफ्ते के लिए नॉर्थ एंगटन गया था, यहाँ बर्फ पड़ी, मेरा घर बर्फ के अंदर दब गया, सर प्लीज़ हेल्प मी। डेफिनेटली वो लोग हेल्प तो करेंगे यार, चलो देखते हैं उनसे हेल्प मांग के, देखते हैं क्या होता है आखिरकार। लेट्स गो गाइस, मैं चला पुलिस स्टेशन, अभी काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है, धीरे धीरे बर्फ हट तो रही है भाई। चलो फटाफट से निकलते हैं पुलिस स्टेशन और देखते हैं वो लोग हमारी हेल्प करते हैं या फिर नहीं। होंगे उनके पास तो भाई स्पेशल वाले वेपन्स, क्योंकि वो लोग रखते हैं चोर वगैरह पकड़ने के लिए या फिर कहीं रेड वेड करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने वाला हूं मैं, और एक चीज़ है, पता नहीं पुलिस स्टेशन वाले होंगे कि नहीं होंगे। बर्फ़ पे भाई पूरी अपनी गाड़ी स्लिप कर रही है, एक पुलिस वाला है तो भाई, ये तो ठंड में भी हाफ शर्ट पहन के घूम रहा है, क्या ही बंदा है ये।
फिलहाल ये तो गया, और भी होंगे ना पुलिस वाले अंदर? नहीं, इस बंदे ने देखो फुल स्लीव शर्ट पहनी है। खैर जो भी है, एक्सक्यूज मी सर, मुझे वेपन्स चाहिए थे, क्या मुझे वेपन्स मिल सकते हैं? भाई यार ये बंदा तो पूछ रहा है वेपन्स क्यों चाहिए, तुम तो पहले बंदे हो जो पुलिस वालों से ही वेपन्स मांग रहे हो। पूरी प्रॉब्लम और सिचुएशन लगता है समझानी पड़ेगी भाई पुलिस वाले को। देखो सर सीन कुछ ऐसा, आपको तो पता ही है पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है। मैं पिछले एक हफ्ते से नॉर्थ यंगटन में अपने दोस्त के पास था, तो मुझे यहाँ पर मौका नहीं मिला। अभी एक हफ्ते बाद मैं आया हूँ अपने घर पे, तो मैंने देखा मेरा पूरा का पूरा घर बर्फ के अंदर दब चुका है। और बर्फ हटाने के लिए सर मुझे स्पेशल वेपन की जरूरत है, क्या आप प्रोवाइड कर सकते हो? प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, हेल्प मी प्लीज। तो इन्होंने मुझे गाइस एक स्पेशल तरीके का स्टिकी बॉम्ब दिया है इस बैग में, लेकिन ये कह रहे हैं कि वेपन वाला बैग तो तुम्हें दे रहे हैं हम लोग, लेकिन साथ ही हमारा एक पुलिस ऑफिसर भी तुम्हारे संग जाएगा और देखेगा कि तुम इस वेपन्स का यूज कैसे कर रहे हो। अगर तुम इन वेपन्स के यूज बर्फ हटाने के लिए ही कर रहे हो तो फिर हमारा पुलिस ऑफिसर वापस आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, भेज दो। तो अभी फिलहाल उस पुलिस ऑफिसर का ही वेट कर रहा हूँ मैं। भाई पुलिस वालों को किसी पे भरोसा नहीं है, भेज ही दिया एक पुलिस वाला मेरे संग। कोई बात नहीं सर, आ जाओ, तसल्ली कर लो आप भी कि मैं वेपन्स का यूज कहाँ पे कर रहा हूँ। वैसे मुझे लगा नहीं था भाई पुलिस वाले मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे भाई, लेकिन काफ़ी अजीब और गरीब बात है, लेकिन हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। भले ही मेरे संग एक पुलिस वाला ज़रूर भेज दिया इन लोगों ने, बट हेल्प तो की है, ये तो मानना पड़ेगा तुम लोगों को। चलो अब इन लोगों ने जो स्टिकी बॉम्ब दिए हैं, इन लोगों ने भी मुझे स्टिकी बॉम्ब से दिए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मल वाले स्टिकी बॉम्ब्स होते हैं उनसे इनके वाले स्टिकी बॉम्ब्स 10 गुना पावरफुल है। पता नहीं भाई कैसे वाले स्टिकी बॉम्ब्स हैं ये, लेकिन कहना इनका कुछ यही है कि नॉर्मल वाले स्टिकी बॉम्ब से 10 गुना पावरफुल हैं ये। अब लेट्स सी, 10 गुना पावरफुल होंगे तो डेफिनेटली एक स्टिकी बॉम्ब में ही काफ़ी सारी स्नो हट जानी चाहिए। देखते हैं क्या होता है, अभी तो फिलहाल घर निकलते हैं जल्दी से। ओके, सच में भाई रास्ते काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं, हर तरफ अगर बर्फ ही बर्फ जम जाए तो कुछ भी पता नहीं चलता है कौन सा रास्ता कौन सा वाला है। ओके, ये रास्ता अपने घर की तरफ जाने वाला है। सॉरी सर, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। चलो भाई इस ऑफिसर को भी अपने संग ही ले जाना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है मेरे सारे वेपन्स जब खत्म हो जाएंगे, घर पे से स्नो हट जाएगी, तब ये ऑफिसर जाएगा मेरे पास से। कोई बात नहीं, रहने दो, इस ऑफिसर की वजह से ही तो मुझे यार ये वेपन्स मिल गए हैं, वरना अगर अकेले मुझे वेपन्स ले जाने होते तो ये लोग नहीं देते। लेकिन इन्होंने सोचा कि भाई एक चलो ऑफिसर भेज देते हैं इसके संग, और फिर इस बात पे वेपन्स दे दिए मुझे। ओके सर, आ जाओ, आप भी देख लो मैं कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके स्टिकी बॉम्ब्स का। बैग से स्टिकी बॉम्ब्स निकाल लिए गए हैं और अभी लगाना हम लोग शुरू करते हैं। चलो भाई आराम से, एकदम सारे स्नो पे मुझे स्टिकी बॉम्ब लगाने हैं। एक यहाँ पे 25 मिले हैं, 25, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। कम ऑन, चल भाई क्या कर रहा हूँ मैं। ओके आराम से, ओके बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक आध इधर, एक आध इधर। सबसे पहले हम लोग आगे से स्नो हटाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जरा साइड में हट जाओ। ओके 15 स्टिकी बॉम्ब्स में नहीं, 25 में से मैंने 10 यहीं पर इस्तेमाल कर लिया गाइस, दो तीन और लगा देता हूँ। चलो भाई 13 स्टिकी बॉम्ब्स मैंने यहीं यूज कर लिए हैं। सर जरा साइड में हट जाओ क्योंकि मैं अभी स्टिकी बॉम्ब्स का यूज करने वाला हूँ। सर प्लीज इधर आ जाओ। ओके रेडी फायर। और यहाँ पर ओ भाई साहब, ये स्टिकी बॉम्ब्स तो लिटरली में पावरफुल थे भाई। सारा स्नो हट गया, एक ये रह गया मेन गेट पे, इसे भी हटा देते हैं। लेट्स गो फिनिश। अरे वाह, सामने से सारा स्नो हट चुका है। सर प्लीज जरा पीछे की तरफ आ जाओ, पीछे से भी स्नो हटा देते हैं। यार भाई स्टिकी बॉम्ब्स तो पावरफुल है डेफिनेटली। अभी मेरे पास कितने बचे हैं? अभी मेरे पास 11 बचे हैं। चलो फटाफट यूज करते हैं इनका। ओके ओके नाइस। ओके पानी के अंदर भी फेंक ही देता हूँ, ये भी कम से कम हट जाए यहाँ से। ओके लेट्स गो, एक आध यहाँ पे, एक आध यहाँ पे ऑब्वियसली। ओके दो तीन और बचे हैं, ऊपर वाले कैसे हटेंगे? चलो ऊपर भी फेंक ही देता हूँ मैं। ओके गया वो शायद, नहीं वो तो छत पे चिपक गया। कोई बात नहीं, एक लास्ट बचा है, एक लास्ट भी यहीं पे लगा देता हूँ। चलो भाई सर जरा साइड में आ जाओ। ओ नो, पानी में नहीं। ओ तेरी, ओ भाई कितना ठंडा पानी है। ओके लेकिन गरम गरम जकूजी भी तो है अपना। सर आ जाओ इधर, कहाँ रह गए आप? अरे सर मैं ब्लास्ट करने वाला हूँ सब कुछ। ऑफिसर गया क्या? उसको विश्वास हो गया क्या कि मैं अपने घर के आगे से स्नो ही हटा रहा हूँ? लगता है ऑफिसर गया भाई। ऑफिसर कहाँ गया है? ये अभी भी यहीं पर है। चलो गाइस स्टिकी बॉम्ब्स का यूज करते हैं और ब्लास्ट करते हैं। ओके लेट्स गो। तो यहाँ पर मैंने स्टिकी बॉम्ब्स का यूज करना शुरू कर दिया है और फाइनली हट चुका है वो वाला, ऊपर वाला नहीं हटा भाई। आई गेस वो जो स्टिकी बॉम्ब मैंने फेंका था वो छत पे चिपक गया था शायद इस वजह से। पानी वाला भी हट गया है।
अरे वाह, शीशे क्रैक हो गए बट चलता है वो, तो मैं रिपेयर करवा लूंगा। फाइनली बर्फ हटी और मेरे पास वेपन्स नहीं है भाई, पुलिस वालों ने इतने ही दिए थे। कोई बात नहीं, एटलीस्ट अब घर में तो पहुंच पा रहा हूँ मैं। अरे वाह, क्या बढ़िया फीलिंग आ रही है सर, आप तो, आपको यकीन हो गया। अरे कहाँ गए सर आप? अरे एक तो ये पुलिस वाला, ओके बोरा सर, आपको अब तो यकीन हो गया, अब जा सकते हो सर, मैंने सारे वेपन्स का यूज कर लिया, ये लो आपका बैग पुलिस का, ले जाओ। चलो भाई, वो बंदा तो गया, सारा स्नो हट चुका है, बस दो जगह का रह गया, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ का। एक तो सबसे अपनी छत का भाई, सबसे अपनी छत का स्नो रह गया है, और एक स्नो रह गया है। अबे यार ये विंडो, चलो विंडो वाला तो मैं हटा लूंगा, घर के अंदर तक भी स्नो है। अबे यार एक यहाँ पर भी है, ओ गया। ओके, दो स्टिकी बॉम्ब का कुछ तो फर्क पड़ा था गाइस, तभी तो वो स्नो काफी कमजोर हो चुकी थी, और जैसे ही मैंने इसे टच किया तो गया। ओके बस ये स्नो रह गया है, इसको भी मुझे कैसे खत्म करना है आई नो। फिलहाल ये कैसी स्नो है विंडो के ऊपर ही, मेरे को पता है वो कैसे खत्म होगी गाइस, लगातार फेंकते रहो भाई ग्रेनेड, कभी ना कभी तो जोरदार फर्क पड़ेगा और वो स्नो खत्म हो जाएगी। ओए एक ग्रेनेड यहीं गिर गया। ओके ओके लेट्स थ्रो, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, कम ऑन। अरे पड़ जा कुछ फर्क भाई, यू वॉन्ट बिलीव गाइस, बट यहाँ पर काफी सारी स्नो हट चुकी है, और लो भाई ये भी फाइनली स्नो हटी गई। ओके अब बस छत वाली स्नो रह गई है, उसके लिए भी मेरे पास ग्रेनेड्स हैं। ये ग्रेनेड्स भी पावरफुल हैं जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, बट ये उतने पावरफुल नहीं हैं जितने वो पुलिस वालों के स्टिकी बॉम्ब्स थे भाई। एक स्टिकी बॉम्ब से पूरा का पूरा स्नो हटा देता था मैं, क्या ही पावरफुल थे। फिलहाल ये वाले स्नो ट्राई करते हैं। ओए यहीं गिर गया एक ग्रेनेड। ओके नाइस नाइस, कम ऑन लेट्स गो। चलो भाई जल्दी जल्दी, फायर फायर। अबे यार देख रहे हो तुम लोग ग्रेनेड्स कितने कमजोर हैं, 25 ग्रेनेड्स थे मेरे पास, 12-13 नीचे एक स्नो हटाने में लग गए, और यहाँ पर स्नो हटाने में मेरे ऑलरेडी 10 खर्च हो चुके हैं। लास्ट एक बचा है, इसके बाद एक लास्ट बचा है, आई गेस हट जाए प्लीज, देखते हैं क्या होता है। ओ भाई इधर ही, ओ नो, उधर जा उधर जा, ओ उधर जा। अबे यार कुछ नहीं हुआ, रुको मेरे पास ग्रेनेड लॉन्चर्स भी है। ओके ओए वेट, ये तो खत्म, ये वाली स्नो भी खत्म। ये देखो भाई कैसा यहाँ पर ऊपर का सीन हो गया है, बर्फ ही बर्फ इतनी सारी जमी पड़ी है हर तरफ। ये देखो बर्फ पिघल रही है भाई कुछ इस तरीके से, कैसे शीशे की तरह बर्फ टूट रही है भाई पूरी की पूरी, अलग ही तरीका है। जो भी हो गाइस, फाइनली 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 मेरा घर पूरी तरीके से फ्री हो चुका है बर्फ से, और अब कहीं भी बर्फ नहीं है। ओ भाई बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, परेशान हो गया था यार मैं तो नॉर्थ एंगटन से लौटा था जब, अभी अभी देखो हर तरफ से, मैं तुम लोगों को अपना घर दिखाता हूँ। मेरी गाड़ी सबसे पहले मैंने छुड़ाई वहां से। ओके ये वाली गाड़ी तो मुझे SUV जो है ये एयरपोर्ट पे मिली थी। ये देखो सामने से कहीं भी स्नो नहीं है। अब बात की जाए पीछे की, तो घर के जरा पीछे भी चल के देख लेते हैं, उधर भी हर जगह से स्नो गायब है, चाहे वो स्विमिंग पूल हो या फिर मेन अपने घर की एंट्री वाला इलाका हो, बालकनी हो या फिर छत हो, हर जगह से बर्फ गायब। फाइनली अब जाके शांति मिली है। तो गाइस तुम लोगों को आज की ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके आज से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। भाई मुंह से धुआं निकल रहा है यार खतरनाक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, गुड बाय। यहाँ पर आग वाग जलाते हैं मस्त, और अब मैं फाइनली चिल कर सकता हूँ यहाँ पे आग वाग जला के। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, गुड बाय।